गाइस टर्म टू के वेटेड सिस्टम को लेकर के ऐसी अपडेट आई है जिसको सुन करके मेरे भी होश उड़ गए हैं, तो आपका क्या हाल होगा आई कैन इजीली अंडरस्टैंड। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइस, आई होप कि आप लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हो, आप लोग अच्छे से होगे, सेफ से होगे। लेकिन गाइस अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम में लगा हुआ था, क्लास 10 और 11 के लिए हम स्पेशल वीडियोज ला रहे हैं, सब्जेक्ट नोट्स, स्ट्रेटजी वीडियोज, काफी इंपॉर्टेंट चीजों पर काम चल रहा है जो आप लोगों की तरफ से डिमांड भी था। और हमने ये ठाना भी है कि इस न्यू सेशन में अभी हम सबको क्लास 9 टिल 12th हम सबको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं बहुत स्पेशल ढंग से। लेकिन गाइज अभी जो अपडेट आया तो मेरे भी होश फाकता हो गए, मैं भी मतलब यकीन नहीं हुआ कि यार ये क्या चीज हो रहा है। ये चीज हो रहा है जिसको आप सुन करके मतलब अभी स्टूडेंट्स जो है वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं और सीबीएसई जो है वो उनको देने की क्या तैयारी में है, ये आप सुन करके हैरान हो जाओगे। गाइज अभी जो डिमांड था आपको पता है कि जो अभी तक फाइनल आउटकम निकल के आ रहा था वो ये था कि 30-70 का रेशियो के हिसाब से वेटेड सिस्टम तय किया जा रहा है सीबीएसई के द्वारा भी, और अभी तक तो यही था। हालांकि सबने डिमांड किया है जिसमें हम लोग सबसे आगे हैं कि बेट यानी कि बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स जो भी हो उसका रिजल्ट दिया जाए। लेकिन गाइज अभी ऐसा चीज आ गया कि मतलब होश समझ में मेरे नहीं आ रहा है कि भाई यहां कहा जा रहा है कि जो जिस तरह से रिजल्ट क्लास 10 12th का बनाया जा रहा है, जिस तरह से मार्क्स आएंगे, उसके बाद में टर्म 2 का वेटेज को खत्म किया जा सकता है। मतलब 50-50 सीबीएसई ने कहा था पहले कि 50-50% वेटेज होगा, सबसे पहले का बात तो यही था आपको पता है। उसके बाद में बात उठा जब टर्म 1 में हजारों गड़बड़ियां, अनफेयर मींस, चीटिंग, दसों हजार चीज का गड़बड़ी पकड़ में आया, तो ये वाला निकल करके आया कि 30-70 रेशियो रहेगा, यानी कि 30% टर्म 1 का, 70% टर्म 2 का। लेकिन डिमांड हम लोगों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, लाखों पेरेंट्स की तरफ से ये थी कि भाई बच्चों को ये दिया जाए। लेकिन अब सीबीएसई की तरफ से क्या निकल करके आया है कि टर्म 2 का वेटेज ही खत्म कर देंगे, और वो रीजन क्या है आप सुनोगे तो आपको भी इतना ऑड लगेगा, इतना खराब लगेगा, जो मतलब मैं क्या बोलूं। यहां पे क्या किया जा रहा है कि देखिए मैं आपको, ये जी न्यूज का इतना लीडिंग न्यूज का है कि भाई औसत एवरेज अंकों के कम होने पर वेटेज में बदलाव किया जा सकता है और टर्म 2 के वेटेज को कम करने की बात की जा रही है। ठीक है, पहले, और ये देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है, पहले बोर्ड की ओर से टर्म 2 के वेटेज को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन परीक्षा को लेकर के मिल रही प्रतिक्रिया के कारण इसे घटाया जा सकता है। अब रीजन क्या दिया गया है सीबीएसई की तरफ से कि भाई बच्चे जो हैं वो टर्म 2 एग्जाम में अच्छे से लिख नहीं पाए क्योंकि कोविड की वजह से बच्चों का लिखने का प्रैक्टिस खत्म हो गया था, तो बच्चे लिख नहीं पाए इसलिए टर्म 2 का वेटेज खत्म कर दो। अरे यार, बच्चों को टर्म 2 से उम्मीद ये चीज हो रही है कि भाई हमारा वो चीज लिया जाए जो कि ज्यादा अच्छा हो। इस बैच को एक्सपेरिमेंटल बैच का नाम दिया गया है, बड़े बड़े एकेडमियंस, न्यूज चैनल्स, न्यूज पेपर्स, हर जगह आप देखो यही लैंग्वेज मिलेगा कि ये बैच जो है ये बैच नहीं हो करके एक्सपेरिमेंटल बैच बन के रह गया है। क्या मैं गलत कह रहा हूं बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब यहां पर देखो, यहां पर खुद कहा जा रहा है कि बता दें कि पहले टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज 30-70 औसत रखने का लिया गया था, लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए इसमें बदलाव किया जा सकता है। ये देखिए, अब बताओ आप ये क्या चीज हो रहा है। टर्म 1 में ऑलरेडी इतनी चीटिंग हुई थी, अच्छे खासे टॉपर बच्चों का रिजल्ट गड़बड़ हो गया, मार्क्स खराब हो गया, उनको टर्म 2 से उम्मीद था, टर्म 2 में भी बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, इसी वजह से बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स ये सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता था जिसमें किसी को इशू नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब यहां देखिए, यहां क्या कह रही है सीबीएसई कि टर्म 2 का जो वेटेज सिस्टम है उसको बिल्कुल ही खत्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। बताइए, ये देखिए रीजन क्या दिया गया है कि कोरोना महामारी के कारण स्कूल पूरे साल बंद रहे, जिससे कि पढ़ने लिखने की स्टूडेंट्स की आदत खत्म हो गई, इसी वजह से स्टूडेंट्स लिख नहीं पाए, इसी वजह से क्लास 10 12th के रिजल्ट में सीधा सीधा टर्म 2 का वेटेज को खत्म कर दिया जाए। अरे भाई, टर्म 1 में इतनी चीटिंग्स हुए हैं पूरे देश भर से, मतलब कौन है जो विरोध में नहीं है। पेरेंट्स तक ने कहा कि ऐसे ऐसे स्कूल जिनका दसों साल का अगर प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए तो वो उनके यहां से टॉपर्स निकलते थे, इस साल खत्म हो गए। मतलब उनको, उन ऐसे स्कूलों को, गार्जियंस को जवाब देने में मुश्किल हो गया, और उस टर्म 1 को कंपनसेट करने के बजाय टर्म 2 को भी अगर छीन लिया जाएगा तो बच्चे जिनके टर्म 1 में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, बच्चों बताओ आप लोग क्या खुश होगे। गाइज ये बहुत सोचने की बात है और अब समय नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी यूनिटी नहीं दिखाया, देख लो यूट्यूब पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, वीडियो सब बना रहे हैं, लेकिन अगर पूरे यूट्यूब में अगर कहा जाए तो ओनली हम लोग, सिर्फ हम लोग
हैं जो लगातार बात को रेस कर रहे हैं, आप देख सकते हो। मैंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लगातार मैसेज किया है, मेल किया है, मैंने इवन मेल भी किया है सीबीएसई को कि भाई बच्चों के साथ में जो है वो जस्टिस किया जाए। ये मेरा ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है @vishalaryav। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर सकते हो, @vishalaryav ट्विटर हैंडल है मेरा। अब यहां देखो कि भाई यहां पे हमने ट्वीट किया, जो पिन में रखा भी हुआ है, मैंने पिन करके भी रखा हुआ है कि भाई बच्चों को जस्टिस दिया जाए किसी भी हालत में। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इसमें सपोर्ट भी किया। लेकिन बच्चों अगर हमने अभी भी नहीं, ये देखो यहां पे ये मैंने ट्वीट भी किया, और इस सैटरडे को आप लोगों ने मेगा कैंपेन हमने मिलकर के रन किया था, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा ये भी किया। यहां मैंने लिखा था कि भाई ये बैच जो है सबसे ज्यादा 2 साल में उलझा हुआ बैच रहा है, सफर्ड बैच रहा है, बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स दिया जा सकता है। बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना क्या चाहते हो, अगर हम नेसेसरी एक्शन होगा तो हम जरूर आपके साथ में मिलकर के हम लोग बात को रेस करेंगे सही तरीके से। लेकिन आप लोगों को ये चीज भी ध्यान रखना होगा कि क्या आप सिर्फ भेड़ चाल में चलना चाहते हो। अभी तक कोई यूट्यूबर आप देखो इस चीज के लिए उसने स्टेप नहीं उठाए, वीडियोस बने स्टेप नहीं उठाया। उसके बाद में भी ये कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने यहां तक कह दिया कि भाई सीबीएसई जो करना चाहे सीबीएसई अच्छा ही फैसला लेगी और बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स का कोई मतलब नहीं बनता है। बच्चों आपके सपोर्ट में कौन है, ये आखिरी फैसला सीबीएसई क्या लेगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट में कौन है ये आप लोगों को समझना होगा। मैं अभी अपने वीडियोस छोड़ करके क्लास 10 11th वाले जो वीडियोस बना रहा था जो कल सुबह आने वाले हैं उसको छोड़ करके मैं आप लोगों में लग गया कि भाई ये अभी आप लोगों का हेल्प की जरूरत है। सो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट सेक्शन में बताना, और प्लीज अब तो एक बड़ा आप लोग यूनिटी को शो करो। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने मुझे अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, @studywithvishalsir, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, @studywithvishalsir, आप इसको भी ज्वाइन कर लो। अगर ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हो तो @vishalaryav, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मैं आपके साथ में सारी चीजों पे स्ट्रेटजी में रहूंगा, हम लोग मिलकर स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।